नमस्कार, मैं हूं कल्याणी महाजन और आप देख रहे हैं लाइव मध्य प्रदेश। आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि क्या है आज की ताजा खबरें, अभी क्या हुआ आपके शहर और जिले में। देखिए ये खबर। खंडवा लोकसभा से भाजपा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिस कारण सियासत गर्मा गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने क्या बयान दिया है, जिसका प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कैसे किया है पलटवार। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की आज गांधी परिवार को आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि गांधी परिवार ने अच्छे काम किए होते तो गांधी परिवार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गांधी परिवार की वजह से भारत टूटा है, जुड़ा नहीं है। आज गांधी परिवार के मार्गदर्शन में जब सरकार चल रही थी, तो आज आप बंगाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ये दोनों भारत के अभिन्न अंग थे। इनको तोड़ने का काम किसने किया? गांधी परिवार, नेहरू खानदान ने किया ना, तो इनको जोड़ने की जरूरत क्या पड़ गया आज? और ये तो भारत जोड़ों के लिए नहीं निकले, ये तो कांग्रेस को किस तरह संगठित कर सकते हैं उसके लिए निकले। जो कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खसक चुकी है, उस जमीन को ढूंढने के लिए निकले कि कहाँ का जमीन हमारी बची है, लेकिन इससे कोई लाभ कांग्रेस को होने वाला नहीं है। भारतीय संसद में किस तरह के लोग निर्वाचित होकर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी से, यह हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले से निर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी अपनी अक्ल का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें तोड़ा है। इन्हें कौन समझाए कि जिस संसद में वो बैठते हैं उसी संसद में उन्हीं के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था, उन्हें दुर्गा के अवतार से नवाजा था। ये दुर्भाग्य लोकतंत्र का, इतिहास की जानकारी पढ़े बगैर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनर्गल बयान देते हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए।